मालिक कहाँ है? सुनते हो, तुम्हारे मालिक कहाँ है? अरे जवाब क्यों नहीं देते? सुनो, उसको गुस्सा करने से क्या होगा, तो गूंगा बहरा। क्या चाहिए तुम्हें? मैं मालिक सीना से मिलना चाहता हूँ। वो उस कमरे में है, लेकिन किस लिए मिलना चाहते हैं उनसे? ये मैं उन्हीं से कहूंगा। ₹10,000 का गोलमाल, अगर 3 दिन के अंदर हिसाब ठीक नहीं हुआ तो तुम सिर्फ नौकरी से ही नहीं निकाले जाओगे, बल्कि तुम्हें जेल की भी हवा खानी पड़ेगी। लेकिन हजूर, कौन हो तुम? क्यों अंदर चले आ रहे हो? आज तुम अपने बड़े भाई को भी नहीं पहचान रहे हो श्रीनाथ। दीनानाथ भाई, तुम तो ऐसे चौंक पड़े जैसे किसी भूत को देख लिया हो। मैंने तो सुना था कि मैं मर चुका। सुनने और देखने में सिर्फ 4 उंगल का फर्क होता है। जो कान से सुना जाए वो झूठ, और जो आंख से देखा जाए वो सच। तुम यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाते क्यों नहीं? ये तुम्हें कब से? यही कोई 2 साल से ये हाल है। ओ, मगर तुम्हारे आने का मकसद? छोटे भाई के पास बड़े भाई के आने में कोई मकसद हो ये तो जरूरी नहीं। मैं नहीं समझता कि तुम बिना वजह यहाँ आए हो। पैसे की जरूरत ही तुम यहाँ खींच कर लाई। उस दिन तो पिताजी से झगड़ कर घर छोड़ के चले गए थे। जमींदार बुरे लोग होते हैं, गरीबों का खून चूसते हैं। ऐसे बेरहम के घर में रहना भी पाप है। क्यों, अब इस घर में लौटना पाप नहीं? मजदूरी पाप पुण्य भुला देती है सीना। आदमी जब दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं पाता तो वो अपने ही घर में पनाह लेता है। अपना घर? दीनानाथ भाई, तुम ये भूलने की कोशिश ना करो कि इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं। पीताम्बर को भी पिताजी बेदखल कर गए हैं, क्योंकि उसने उनकी मर्जी के खिलाफ एक छोटे घराने में शादी की थी। अब ये घर सिर्फ मेरा है, ये जायदाद मेरी है। पिताजी सब कुछ मेरे नाम वसीयत कर गए हैं। मगर मैंने तो सुना था कि आखिरी वक्त भूल सुधारने के लिए पिताजी ने एक नया वसीयतनामा तैयार करवाया था। नया वसीयतनामा? हाँ, जिसमें उन्होंने तुम्हें नहीं बल्कि मुझे और पीताम्बर को जायदाद में बराबर का हिस्सेदार ठहराया था। ओ, तो गोया तुम अपना हक हासिल करने आए हो। कहाँ है वो वसीयतनामा? किसने देखा है उसे? कौन गवाह है उसमें? ये सब मुझे नहीं मालूम। तो यही खोखली धमकी देते हो? हक दिखाना है तो जाओ। कचहरी क्या खुली है? सुना, ऐसा क्यों कहते हो सीना? मैं तो एक पका फल हूं जो न जाने कब गिर पड़े। बूढ़ा, अपाहिज, अब तो बस इतना है कि जब तक जीता रहूं 2 रोटियां मिलती जाए। इतनी बड़ी हवेली के किसी एक कोने में मैं भी पड़ा रहूं तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब आए हो रास्ते पर, लेकिन तुम जैसे खतरनाक आदमी को सहारा देना आज दिन में साफ पाने से कम नहीं। ये क्या कर रहे हो सीना? याद नहीं, बचपन में एक जैसी शक्ल होने का फायदा उठाकर तुमने मुझे काफी जलील करवाया था। अब उन पुरानी बातों का जिक्र क्यों छेड़ते हो? लेकिन अगर जायदाद के लालच ने तुम्हें ज्यादा अकलमंद बना दिया तो? नहीं नहीं सीना, मुझे जायदाद में न पहले ही कोई दिलचस्पी थी और न अब। अच्छा, तो तुम यहां रह सकते हो, लेकिन याद रहे, इससे पहले के सांप डसे उसका उठा हुआ सर कुचलना मेरा उसूल है। मैनेजर, मैनेजर, मैनेजर। जी हुजूर। देखो भाई साहब, अब यही ठहरेंगे, ऊपर मेरे बगल वाले कमरे में इनके रहने का इंतजाम करना। बहुत अच्छा।
और सुनो, शाम को मैं शहर जाऊंगा, ड्राइवर से को गाड़ी तैयार है। बहुत अच्छा। तुम क्या तुम्हीं ने मिलने के लिए मुझे यहां बुलाया? जी। मगर ऐसी क्या बात थी जो घर पर ना आकर लिली के जरिए इस तरीके से तुमने ऐसा काम वैसा तरीका राय बहादुर साहब, मुझे वो वसीयतनामा चाहिए जो पिताजी मरते वक्त आपको सौंप गए थे। यकायक आज उस वसीयतनामे की ऐसी क्या जरूरत पड़ी? बात यह है कि जिस चीज की कीमत मैं अदा कर चुका हूँ वो चीज मुझे मिलनी ही चाहिए। मालूम होता है तुम्हारा यकीन मुझ पर से उठ गया है। अचानक दीनानाथ के लौट आने से शायद तुम डर गए हो। डरने की कोई बात नहीं, ये बताओ कि अब उसकी कितनी कीमत तुम मुझे दे सकते हो? क्यों, क्या वो 20,000 जो मैं आपकी जेब में डाल चुका हूं काफी नहीं? वो तो सिर्फ मेरे खामोश रहने की फीस थी। अब दीनानाथ के वापस आ जाने से इस वसीयतनामे की कीमत बहुत ऊंची पहुंच चुकी है। 20,00,000 की जायदाद हासिल करने के लिए तो 1,00,000-2,00,000 दीनानाथ ही मुझे दे सकता है। आप मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझसे बेईमानी कर रहे हैं।
जानते हैं आपके इस बदलते हुए रुख का नतीजा क्या होगा? मेरे लिए या तुम्हारे लिए? आपकी इस बदनीति का ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहे। श्रीनाथ, आप इसे बाहर होने की जरूरत नहीं, मैं चाहूं तो तुम्हें दर दर का भिखारी बना सकता हूं। मुझे धमकी देते हो, क्या समझ रखा है? अभी फैसला करेगा। ये तुम क्या करते? तुम नहीं जानते लिली, तुम नहीं जानते। इस वक्त राय बहादुर हमारे मेहमान है, हमने उनको बुलाया। कोई बात नहीं लिली, अगर इससे मैंने अपनी इस बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम जानकी नाथ दी। राय बहादुर प्लीज हमारी बात सुनिए। He's gone. ये तुम अच्छा नहीं किया, अभी तुमको विल नहीं मिलेगा। जैसे भी हो मैं उसे हासिल कर लूंगा। पर हाँ, कैसे? वो मुझ पर छोड़ो, लेकिन डालें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। चलो। सच मानो बहुत हो गई है, अब तो इतना होश है कि मैं बेहोश हूँ। ऐसा तो तुम आराम करो दामन, अभी आई, अभी बैठी, अभी दामन संवारा, क्या जल्दी है जाने की? आप जाती कल फिर आऊंगी। जरूर आओगी। गुड नाइट। हम जाती दरवाजा बंद कर लो। सुनो दो, चली गई, मर्जी तुम्हारी। गुड नाइट। बहुत देर करती? काम देर का था, इसी वास्ते देर हुआ। ये सेफ का चाबी, पीछे का दरवाजा खुला है। और वो उसका क्या हाल है? तभी मदहोश था, अभी बेहोश होगा। फिर भी तुम होशियार रहना, be careful. I know. Good luck. Gone.
श्रीनाथ तुम? हाँ मैं श्रीनाथ। तू वसीयतनामा मुझे दो फौरन। चाबी तो दो। रात काफी बीत चुकी है। क्या बजा है? ढाई बज चुके। हाँ ढाई बज गए। ओ नर्स को बुलाओ। वो तो आप ही से छुट्टी लेकर शहर गई है, कल आएगी। तुम क्या देख रहे हो? डॉक्टर कहाँ है? डॉक्टर 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 जाने क्यों, मुझे बड़ी घबराहट हो रही है। एक एक अजीब सी दहशत महसूस हो रही है। दहशत? हाँ मैं शहर से लौट रहा था तो मुझे ऐसा लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई 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 मुझे मार डालना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, आपको वहम हो गया होगा। यहाँ जान पर बनी है और तुम वहम की बात कर रहे हो। घबराने कोई बात नहीं, मैं अभी इंजेक्शन दे देता हूँ। इंजेक्शन इंजेक्शन इंजेक्शन, 2 साल से इंजेक्शन दे दे करके तुमने मेरा जिस्म छलनी बना डाला। तुम यहाँ इंजेक्शन लिए फिरोगे और कोई मुझे मुझे छुड़ा करके भोग देगा। मैनेजर सुना है शहर में राजेश नाम का एक प्राइवेट डिटेक्टिव, तुम उसे तार दे दो फौरन यहाँ चला जी। उसे मुंह मांगी फीस दूंगा। जी खून खून खून, लाल बहादुर जानकी नाथ का खून हो गया। कमाल अजीब जमाना आ गया, बात बात पे खून। कहने के इंसान का खून, क्या वो नारियल के पानी से भी क्या गुजरा हो गया? दाद तेरी। आप जो कोई भी हो माफ किया मैडम, अंदर आ जाइए। मुझे मिस्टर राजेश कुमार से मिलना है। जी हाँ वो तो जाहिर है, अगर मिलना ना हो तो भला बात ही क्यों। जी मिस्टर राजेश कुमार क्या आप? जी आपको बहस से क्या मतलब, आप काम बताइए ना। चोरी हुई है, डाका पड़ा है, खून हुआ है। खून? जी हाँ मेरे ख्याल से तो खून ही हुआ। अब आप कल रात की बात देखी ना, राय बहादुर जानकीनाथ जी का खून हो गया। पुलिस खूनी की तलाश में है, लेकिन आप जरा सोचिए जब तक यहाँ से मदद नहीं जाएगी पुलिस भी आकर करेगी क्या। जी हाँ तो आपको अपने खूनी का कुछ नाम काम पता ठिकाना मालूम है? मेरा खूनी? जी हाँ आपका, बोलिए बोलिए। तो मैं गलत जगह पर आ गई? जी नहीं जगह तो सही है, तो शायद आपके होशो हवास दुरुस्त नहीं मालूम। ऐसी भी कोई बात नहीं है, मुझे आपका खून का केस न मालूम हो के कोई मोहब्बत का केस मालूम होता है। मोहब्बत? जी हाँ आप मोहब्बत में नाकाम हुई हैं और आपके आशिक आपके खतूत दिखा के आपसे कोई बहुत बड़ी रकम एट बस बंद कीजिए अभी बकवास। बड़े जासूस बनते हैं, अखबार में इश्तेहार छपवा दिया और ऑफिस लेकर बैठ गए। अगर यही जासूसी आपने विलायत में सीखी है ये जानते तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। गुड मॉर्निंग सर। सर यह आपसे मिलने आई हैं। कहिए कैसे तकलीफ की आप? तारीफ? जी अब मेरे सर यानी कि बॉस, अब मैं इनका नौकर हूँ, खादिम गुलाम, मुझसे वो सर्वेंट हूँ यानी कि असिस्टेंट हूँ। मगर तुम तो अभी भी कह रहे थे कि तुम ही। जी वो दरअसल आपने पहचानने में गलती की मैडम, इन्होंने भूल की ये तुमने बताया नहीं। यस सर। बेवकूफ कहीं का, गेट आउट। माफ किया यानी माफ कर दीजिए मैडम। मुझे बलराम के सलूक के लिए अफसोस है। कोई बात नहीं राजेश बाबू, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। तशरीफ रखिए। एक्सक्यूज मी। हेलो हाँ मैं राजेश बोल रहा हूँ।
कहिए इंस्पेक्टर साहब, फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट, लेकिन किसकी? हाँ ठीक है, आप फाइल फौरन सुपरिंटेंडेंट के साथ भेज दीजिए, मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ, ठीक है ना? थैंक यू। हाँ तो कहिए। मुझे शोभा कहते हैं, मैं आपको एक तकलीफ देने आई हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? जीतपुर। आपको कैसे मालूम हुआ? ये क्यों भूलती हैं कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ? जी हमारे सर सिर्फ डिटेक्टिव नहीं है, अंतर्जामी है, अंतर्जामी। जी हाँ, अगर आप इन्हें कुछ ना भी बताएं तो ये आपकी अगली पिछली नई पुरानी सब जान लेंगे और आपको बता देंगे। जी हाँ। इडियट। यस सर। गेट आउट। हाँ तो जीतपुर में क्या काम है आपका? मैं वही चल के बताऊंगी। जी नहीं, आपको यही बताना होगा, वरना मैं कैसे जानूंगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं? आप जरूर कर सकते हैं। देखिए, मेरे काम का एक उसूल है, एक तरीका है, अगर आप बताना नहीं चाहती हैं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। सुनिए सुनिए, मैं बताती हूँ। बात यह है कि मैं एक चीज हासिल करना चाहती हूँ। एक चीज हासिल करना चाहती है? यानी मुझे एक चीज हत्यानी है। नहीं समझे आप? तो यूं समझ लीजिए कि मुझे एक चीज की चोरी करनी है। जी जी हाँ। तब तो आप गलत आदमी के पास आ पहुंची हैं। गलत आदमी? तो क्या आप भी राजेश बाबू नहीं हैं? राजेश तो मैं ही हूँ, मगर मैं चोरी नहीं करता, चोर को पकड़ता हूँ। चोरी करवाने के लिए आपको चोर बदमाशों के अड्डे पर जाना चाहिए था, ये जासूस का दफ्तर है। घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हैं? साफ कहिए ना, किस काम के लिए आपको ज्यादा फीस चाहिए? मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो हर काम पैसे के लिए करते हैं। खैर आप मेरा वक्त जाया ना कीजिए, मुझे जरूरी काम करने हैं। मैं कहती हूँ एक बार फिर सोच लीजिए। मैंने सोच लिया। अच्छी बात है। नमस्ते। नमस्ते। माफ किया बॉस, हो गया ना सुबह सुबह आपका भी मोर्चा? ये लड़की भी अजीब है, एक जासूस से चोरी करने में मदद मांगती है। कुछ भी कहिए बॉस, लेकिन केस था बड़ा दिलचस्प और साथ में खूबसूरत भी। अगर आप ले लेते तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन आप तो। जीतपुर के रईस श्रीनाथ को जान का खतरा है, फौरन बुलाया। पर ताज्जुब है, वो लड़की भी जीतपुर से आई थी। चलना चाहिए। पर पुलिस का लोग बोला रास्ते का आदमी हमारे पास तो ड्रेस वाला कोई लड़की के साथ एक आदमी को उधर देखा था। लेकिन ड्रेस के जरा से हवाले पर पुलिस यहाँ तक आ पहुंची। छोड़ो इस बात को, हमारे पास से पुलिस को ऐसा बिल्कुल मालूम नहीं हुआ कि रात को उधर हम था और हमारे साथ तुम था। लेकिन शाम के पेपर में ये कैसे छप गया कि पुलिस को सुराग मिल गया और कोनी बहुत जल्द गिरफ्तार हो जाएगा? इसमें पुलिस का कोई चाल होगा, पर हमको लगता तुम जरूर अपना कोई निशानी उधर छोड़ा। एनीवे, जो कुछ हुआ बुरा हुआ, रही बात, मैं जानती होती कि तुम खून करेगा तो मैं तुम्हारा मदद कभी नहीं करता। यकीन करो डार्लिंग, मैंने जानबूझ के खून नहीं किया, ऐसी कुछ घबराहट परेशानी और डर की वजह से ऐसा हो गया कि। इस बात को नहीं बोलो, दीवार का भी कान होता, पर तुम एकदम होशियार रहना, कुछ दिन के वास्ते इधर हमसे मिलने को भी नहीं आना। ऑल राइट डार्लिंग, लेकिन तुम्हें पुलिस से जरा भी अंदेशा हो तो मुझे फौरन खबर कर देना। जरूर खबर दूंगी। गुड नाइट डार्लिंग। गुड नाइट। मुझे जरा देर हो गई। अरे आप लोगों ने अब तक शुरू नहीं किया? कैरी ऑन कैरी ऑन। भाई साहब, आप भी अपना दाहिना हाथ बिल्कुल नहीं इस्तेमाल कर सकते? नहीं श्रीनाथ। डॉक्टर, तुमने इनकी जांच की है? हाँ, मर्ज बहुत पुराना है, लाइलाज नजर आता है। नॉनसेंस, डॉक्टर होकर तुम ऐसी नाउमीदी की बातें करते हो? अरे कुछ रिसर्च करो, मैंने तुम्हें लेबोरेटरी खुलवा दी है, इतना साजो सामान इकट्ठा कर दिया है,
इसके बावजूद ही भाई साहब का इलाज न हो सका तो फायदा ही क्या। लेकिन मिस्टर शिनाथ, मर्ज जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो दवा नाकाम हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर, तुम लगकर इलाज शुरू कर दो, समझे? हजूर, शहर से डिटेक्टिव राजेश नाथ जी तशरीफ लाए। अच्छा ठीक है, बिठाओ उन्हें। सर, सर होना की मूर्ति कम से कम 2000 साल पुरानी है। इसकी बनावट से पता चलता है कि इसका कारीगर या तो चीन का या मिस्र का रहने वाला कोई आदमी होगा। बलराम, तुम अपनी अकलमंदी ऑफिस में ही छोड़कर आए होते तो ज्यादा अच्छा होता। मेरे ख्याल से आप ही मिस्टर राजेश हैं। जी हाँ। नमस्ते। नमस्ते। ये कौन है? ये मेरे साथ आया। इन्हें जरा बाहर जाने के लिए कहिए। बलराम, लेकिन माफ किया, मैं तो इनका असिस्टेंट हूँ। तुम जरा बाहर जाओ। बहुत अच्छा। आपका तार मिलते ही मैं चला आया, लेकिन मैनेजर साहब की बातचीत से ये पता नहीं लगा कि आपको किस तरह का खतरा है। लिखा तो था कि जान का खतरा है। किसी से दुश्मनी है आपकी? दुश्मनी मेरी तरफ से तो नहीं। किसी पर शक है? यूं तो इंसान घबराहट में हर किसी पर शक करता है, लेकिन मुझे किसी खास आदमी पर शक नहीं। लेकिन खतरे की वजह क्या हो सकती है? ये मुझे नहीं मालूम। आप पता लगाइए ना मिस्टर राजेश, मैंने आपको अपनी हिफाजत के लिए बुलाया है। हजूर, क्या आपके लिए दवा? दवा? ओ, तुम जाओ। मिस्टर राजेश, मैं जरा कुछ थक गया हूं, इस वक्त मैं चला जाता हूं। सुबह आपसे बातचीत होगी। और हाँ, आपके यहाँ रहने का इंतजाम करा देता हूँ। थैंक यू, डोंट वरी, गुड नाइट। राजेश जी आइए, आपको कमरा दिखा दें। माफ कीजिए, कमरे में तो ताला लगा हुआ है। आप ऊपर चलिए, मैं चाबी लेकर आया। आपसे पूछता हूँ। मैं तो यही काम करती हूँ। और मुझे यहाँ बुलाया गया है। किसने बुलाया है आपको? श्रीनाथ बाबू ने। क्यों? यहाँ के पानी में कुछ गड़बड़ मालूम होती है। श्रीनाथ बाबू को जान का खतरा है और आपको चोरी का शौक है। अच्छा, फिर मिलूंगी। माफ कीजिएगा मिस्टर राजेश, आपको इंतजार करना पड़ा। आइए तशरीफ लाइए। श्रीनाथ बाबू का कौन सा कमरा है? वो उस तरफ दूसरा कमरा है। और नर्स? जी, मैं डिटेक्टिव हूं, मुझे हर तरह की जानकारी रहनी चाहिए। जी क्यों नहीं, यही बगल वाले कमरे में रहती है। आप जाइए, आराम कीजिए। और हाँ, बलराम से कह दीजिएगा मैं इस कमरे में ठहरा हुआ हूं। बहुत अच्छा। खबरदार, अगर अपनी जगह से कदम भी हिले तो गोली मार दूंगा। देखो मैं छूटने कहता हूँ, पिस्तौल है मेरी जेब में। बोलो क्या स्कीम बना रहे थे तुम लोग? का? स्कीम का? अरे आइसक्रीम नहीं, स्कीम। मैंने तुम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है, बोलो क्या इरादे हैं तुम्हारे? पर तो हो कौन जो हमारा ऊपर धौंस जमात हो? अच्छा, बड़ी भोली हो। देखो सीधी तरह गुनाह कबूल कर लो, वरना तुम दोनों को फांसी के तख्ते पर लटकवा दूंगा। अरे बहुत बड़बड़ ना करा, जानत नहीं हम के हैं।
से घर में घुसाए ले और हमें को धमकी दिया था। चला निकाल। अरे रहने दे, जबान संभाल के बात कर। जानती मैं कौन हूँ, ठीक करवा दूंगा तुम दोनों को। जब तू ठीक करवा तो करवा, पहले हमें तो ठीक कर दे। अरे 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 चंपा, ये झगड़ा क्या मचा रखा है तुम लोगों ने? मैंने साथ देखिए, आप इन दोनों को अभी पुलिस के हवाले कर दीजिए। ये लोग न जाने इशारों में क्या क्या बातें करते हैं, इनके इशारों में कोई बहुत बड़ा राज है। अरे भाई, ये दोनों तो घर के नौकर हैं। ये दरबान की लड़की चंपा है और ये गूंगा बहरा नौकर। बताओ भला, ऐसे इशारा ना, नहीं तो कगला फाड़ फाड़ के बात करें। अजी, तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? खैर जाने दो। देखो राजेश जी ऊपर के कमरे में है, तुम परेशान मत होना। अजी मैं भला क्या परेशान होऊंगा, मैं तो दूसरों को परेशान करने के लिए पैदा हुआ हूँ। अच्छा खैर, झगड़ा बड़ा मत करना। माफ किया मिस चंपा, माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वैसे तो तुम बड़ी अच्छी लड़की हो, लेकिन देखो राय देता हूँ, अगर तुम्हें आइंदा किसी से इशारों में बात करनी हो ना तो मुझसे करना। मेरा नाम मिस्टर बलराम है, मैं इधर बगल कमरे में ठहरा हुआ हूँ। लेकिन मैं तो तुम्हारी मेहनत और काबिलियत की दाद देता हूँ डॉक्टर। आज तक तो सुना नहीं कि दमा जैसी लाइलाज बीमारी सिर्फ एक ही इंजेक्शन से ठीक हो जाए, लेकिन वाह, तुमने तो वो भी कर दिखाया। ये जो कुछ कामयाबी मुझे हासिल हुई है सिर्फ आपकी मदद से। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इस कीमती इजाद का पेटेंट यानी रजिस्टर बाकायदा कर लिया जाए। मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन शर्त यह कि फायदे में आप और मैं आधे आधे के हिस्सेदार हूं। हिस्सेदार? तुम मेरे नौकर हो, मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूं। यह तनख्वाह तो आप अपने इलाज और देखभाल के लिए देते हैं, इजाद के लिए नहीं। वाह, आज तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तो आप समझते हैं इस तनख्वाह के लिए मैं उतनी बड़ी नौकरी छोड़कर यहाँ आ पड़ा हूँ? नहीं, तुम यहाँ इसलिए हो कि मैंने तुम्हें अपनी जायदाद का ट्रस्टी बनाया है और तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए इतनी बड़ी लेबोरेटरी खोलकर पानी की तरह रुपया बहाया है। ये रुपया लेबोरेटरी किस काम आती अगर मेरा दिमाग न लगा होता? मुझे मालूम था कि तुम्हारा लगा हुआ दिमाग इस कदर चलने लगेगा। मैंने अच्छा ही किया कि तुम्हारी गैर हाजिरी में इजाद के फॉर्मूला की नकल हासिल कर ली। मेरे साथ ये फर्क क्या आपने? हद है जलालत की। दबान संभाल कर बात करो डॉक्टर। खैरियत चाहते तो फॉर्मूले की नकल मुझे वापस कर दीजिए। वरना क्या कर लोगे? ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है, उसके लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। श्रीनाथ कहाँ है? जी कहिए, क्या काम है? काम उन्हीं से है, कहाँ है वो? वो तो अपने कमरे में होंगे, आइए। अरे मिस्टर राजेश। अरे इंस्पेक्टर सिन्हा, आप यहाँ? मुझे श्रीनाथ बाबू ने अपनी हिफाजत के लिए यहाँ बुलाया। तो मुझे अफसोस है मिस्टर राजेश कि मैं आपकी हिफाजत में दखल देने आया। मतलब? मतलब ये कि मेरे पास मिस्टर श्रीनाथ की गिरफ्तारी के वारंट्स हैं। हजूर की गिरफ्तारी किस सिलसिले में? उन पर राय बहादुर जानकीनाथ के कत्ल का इल्जाम है। कहाँ है उनका कमरा? जल्दी चलो। मिस्टर श्रीनाथ, दरवाजा खोलिए। देखो, तुम दो आदमी फौरन जाओ और कमरे के पीछे नजर रखो। मिस्टर श्रीनाथ, दरवाजा खोल दीजिए। अरे भाई, ये क्या गड़बड़ है? है? ये पुलिस क्यों आई है? मिस्टर श्रीनाथ, मैं कहता हूँ दरवाजा खोल दीजिए। कोई जवाब नहीं मिलता। मेरा ख्याल है दरवाजा तोड़ देना चाहिए। जैसे आपकी मर्जी। देखो जरा ठहरिए, इसकी दूसरी चाबी मेरे पास है। नहीं, आप लोग जरा दूर रहिए।
मिस्टर श्रीनाथ, खबरदार मुकाबला करने की कोशिश में करना, सीधी तरह से अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम कमरे की बत्ती जलाओ जरा। मेरा भाई। आप लोग बाहर ठहरिए, अंदर नहीं आ सकते। मुझे देखने दीजिए, मैं डॉक्टर हूँ। जब जरूरत होगी तो बुलवा लिया जाएगा। सिपाही, कोई अंदर ना आने पाए। बहुत अच्छा। तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ। तुम भी इन्हें जान का खतरा पहले ही सही था, और इन्होंने मुझसे कहा भी था इनको कोई जान से मार डालना चाहता है। कौन? जो मुख्तसर बातचीत हुई उससे यह पता लगा कि इनको न किसी से दुश्मनी थी न किसी पर शक था। मगर अफसोस, इतनी जल्दी में सब कुछ हो जाएगा ये मुझे कतई अंदाजा नहीं था। मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि कातिल आया किधर से, गया किधर से। खैर जो भी हो, मैं मुजरिम को कानून के हवाले किए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। मैं आप लोगों को आगाह किए देता हूं, इस हवेली में रहने वाला कोई भी आदमी पुलिस की इजाजत के बिना बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब यह कि आप हमलों पर शक करते हैं? मतलब यह है कि हो सकता है आप सब बेकसूर हो, मगर कानून की रूह से हर तरह की तहकीकात और तफ्तीश करना पुलिस का फर्ज है। मैं आप लोगों के बयानात लेने के लिए कल सुबह यहाँ आऊंगा, लेकिन उससे पहले लाश का पोस्टमार्टम हो जाना जरूरी है। राम सिंह, तुम लाश उठवाने का बंदोबस्त करो। आप लोग जा सकते हैं, मैं ये दरवाजा बंद करूंगा। इंस्पेक्टर सिन्हा। दरवाजा में ताला मत लगाइए। क्यों? हो सकता है कातिल अपना कोई निशान छोड़ गया हो और उसे मिटाने के लिए फिर यहाँ आए। Well, not a bad idea. ठीक है मिस्टर राजेश, चलिए। आपकी मौजूदगी का मतलब? जिस चीज को आप चुरा कर लाई है उसे हासिल करना। इससे पहले कि एक जवान लड़की के कमरे में छिपने का इल्जाम आप पर लगे, आप चुपचाप यहां से खिसक जाइए। जवान लड़की की राय के लिए शुक्रिया, लेकिन जिस कमरे में कत्ल हुआ उसी कमरे में जाकर चोरी करना सिर्फ इल्जाम से ही वास्ता नहीं रखता, बल्कि दोहरे गुनाह को साबित करता है। लाइए, दे दीजिए मुझे। मगर आप इसका करेंगे क्या? चीज क्या है जाने बगैर कैसे बता सकता हूँ? मान लीजिए ये कोई बिल्कुल मामूली चीज हो तो? इतनी मामूली कि जिसे चुराने के लिए आप मुझसे मदद लेने गई थी, और अब जान खतरे में डालकर उसे चुरा कर ले आई है। कभी कभी एक के लिए बिल्कुल मामूली चीज दूसरे की जान भी बचा लेती है। जान ले भी लेती है, जैसे कि आज हुआ। लेकिन आप यकीन कीजिए, इस चीज से या मुझसे श्रीनंद बाबू के खून का बिल्कुल कोई वास्ता नहीं है। यकीन तब हो जब मुझे मालूम हो जाए चोरी किस चीज की हुई है। ओ, तो देखिए, वसीयतनामा।
योगेश्वर प्रसाद श्रीनाथ बाबू के पिता थे। ओ, यानी इस खानदान को आप बहुत नजदीक से जानती हैं। तब तो पुलिस को श्रीनाथ बाबू के खूनी का पता लगाने में आपके बयान से बहुत मदद मिलेगी। नहीं नहीं, मैं पुलिस में कोई बयान नहीं दूंगी, लेकिन आप मुझे कसूरवार ना समझ बैठे, इसलिए मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। शुक्रिया, फरमाइए। जोगेश्वर बाबू यहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे। उनके तीन बेटे थे, दीनानाथ, श्रीनाथ और पीताम्बर। दीनानाथ आदर्शवादी थे और इसीलिए जमींदारी के जुल्मों के विरोधी थे। उधर पीताम्बर ने अपनी पसंद की शादी की थी। इन्हीं बातों को लेकर श्रीनाथ ने जोगेश्वर बाबू को इतना बरगलाया कि उन्होंने दोनों को घर से निकाल दिया और तमाम जायदाद श्रीनाथ के नाम वसीयत कर दी। इस बीच यहाँ आने से पहले दीनानाथ पर क्या गुजरी कोई नहीं जानता, लेकिन पीताम्बर अपनी पत्नी और एक छोटी सी बच्ची को छोड़कर न जाने कहाँ चले गए कि उनका आज तक कोई पता नहीं चला। दुख और तकलीफ से परेशान होकर उनकी पत्नी जोगेश्वर बाबू से सहायता मांगने आई, मगर श्रीनाथ ने उन्हें उनसे मिलने भी नहीं दिया। और कुछ दिनों के बाद वो बेचारी इस दुनिया से चल बसी। जोगेश्वर बाबू तो बीमार रहते ही थे, जब उन्हें सब कुछ पता चला तो उन्होंने मरने से पहले एक नया वसीयतनामा बनवाया, जिसमें दीनानाथ और पीताम्बर के नाम सब कुछ लिखकर श्रीनाथ को जायदाद से बेदखल कर दिया। कैसे संयोग की बात है कि आपको वही नौकरी मिली जहां से इस वसीयतनामा को गायब करना था। आप सही बताएं तो आपसे एक सवाल पूछूं। पूछिए। पीताम्बर बाबू की लड़की कहाँ है जी? कौन? यही सोच रहा हूँ। अगर कोई था तो इस तरह गायब कहाँ हो गया? जरूर कोई था, मैंने उसके पीछा भी किया, लेकिन यहाँ पहुँचते ही देखा गायब है। ताज्जुब है। मैं इसी वक्त इस मकान के हर आदमी से मिलना चाहता हूँ। चलिए मैं रास्ता दिखाती हूँ, आइए। यह है दीनानाथ जी का कमरा। दीनानाथ जी, दीनानाथ जी, मकान में क्या क्या हो रहा है और ये इतनी गहरी नींद सोए हुए हैं? जनाब जी। कौन है भाई? मैं हूँ राजेश, दरवाजा खोलिए। माफ कीजिएगा, बेवक्त आपको तकलीफ दी। कोई बात नहीं, कहिए। क्या आपने किसी को खिड़की से गुजरते हुए अभी अभी देखा? खिड़की से? मैं तो सो रहा था, श्रीनाथ का ख्याल करते करते पता नहीं कब आंख लग गई। क्या बात है, कौन था? पता नहीं, मगर कोई था जरूर, काला लवादा ओढ़े हुए। काला लवादा ओढ़े हुए? जी हाँ, मेरी आहट पाते ही वो भाग गया। मैंने पीछा भी किया, मगर पूरब के बरामदे के मोड़ घूमते ही देखा कि वहां कोई है नहीं। हे भगवान, चलता फिरता आदमी एकदम हवा हो गया, ये तो बड़ी खतरनाक बात है, अब क्या होगा? घबराइए नहीं, मैं सिर्फ आपको होशियार करने आया। लेकिन होशियार किससे रहा जाए? आप बेफिक्र रहिए, जो होगा देखा जाएगा, मैं पता लगाता हूँ। जरूर लगाइए। भाई, जी सरकार। तुमने हवेली में अभी किसी को घुसते देखा? नहीं सरकार। और बाहर निकलते? नहीं सरकार। अच्छा जाओ, इधर आइए। अभी तक जाग रहे हैं, नींद नहीं आई क्या? जी आज इन आंखों में नींद कहाँ।
मालिक के चले जाने के गम से। मैनेजर साहब, राजेश बाबू ये जानना चाहते हैं कि इस हवेली में आपने कभी कोई अजीब वाक्या देखा है? अब इससे बड़ा वाक्या क्या हो सकता है कि मालिक का खून हो गया? नहीं नहीं, हमारा मतलब ये है कि भूत प्रेत। भूत प्रेत? हाँ, वैसे तो ये हवेली भूतिया हवेली के नाम से बदनाम ही है, लेकिन साल भर पहले एक बार। क्या देखा था आपने साल भर पहले? इंसान क्या हवा समझी, बला की फुर्ती थी उसमें, एकाएक नजर आई और पलक झपकते ही गायब हो गई। उन दिनों कौन कौन थे इस मकान में? मालिक थे, मैं था और डॉक्टर साहब के अलावा सभी नौकर चाकर तो थे ही। डॉक्टर साहब भी थे? जी हाँ, डॉक्टर साहब उन दिनों यहीं थे। अच्छा, अब आप आराम कीजिए, चलिए शोभा देवी। मैं राजेश हूं, जरा दरवाजा खोलिए। माफ कीजिएगा, इस वक्त आपको तकलीफ थी, आपसे जरा काम था। आइए। इतनी रात गए आप अभी तक सोए नहीं? देख रहे हैं आप, मगर सिर्फ यही जानना चाहते हैं या कमरे की तलाशी भी लेना चाहते हैं? आप गलत समझ रहे हैं, मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा था, इसीलिए सोचा कि आपसे कोई दवा मिल जाए। सर, यह पेट का दर्द मर्ज से नहीं, मर्जी से होता है, असलियत का पता पाना और डॉक्टर के बस की बात नहीं। सर, ये दवा दे देता हूँ, खाकर पानी पी लीजिएगा। थैंक यू। सर, में दर्द होगा भी तो चला जाएगा और नहीं होगा भी तो दवा नुकसान नहीं करेगी। तुमको भी दो नर्स। मुझे? मुझे क्यों? मर्ज कभी कभी मरीज का हमदर्द को भी हो जाया करता है ना, और जबकि इनके दर्द की खबर डॉक्टर से पहले तुम्हारे पास पहुंच गई, इसीलिए। आपका ख्याल गलत है, मुझे आपका कमरा पता नहीं था, इसीलिए इन्होंने। सफाई देने कोई जरूरत नहीं मिस्टर राजेश। गुड नाइट। तो तुमने ना किसी को देखा ना किसी की आवाज सुनी? जी सरकार, मैं तो सो रहा था इसलिए। अजीब लोग हैं सब इस घर में, मालिक का खून हो गया और सब आराम फरमा रहे हैं। माफ किया, आराम तो हराम हो गया है सर, बगल में पड़े इस गूंगे बहरे की नाक रात भर हवाई जहाज चलाती है। हाँ साहब, रात को सोते वक्त ये गूंगा हमेशा जोर जोर से खुर्राटे भरता है। अब कुछ समझिए आप, ये गाली दे रहा है। गाली दे रहा है? आपको नहीं, मुझे। तुम समझ लेते हो इसकी बोली? कोशिश कर रहा हूँ। बेवकूफ कहीं का। अबे तू क्या समझेगा, सो जा चुपचाप। तुम भी सो जाओ बड़ू। अरे मुझे ये कुंभकर्ण का नाती सोने दे तो ना। एक एक करके सबको देखा पर शक की गुंजाइश तो कहीं नजर नहीं आई। मुझे आई। कहां? हर जगह। मतलब? आपको क्यों इतनी फिक्र पड़ी है जानने की? फिक्र तो ऐसी कुछ खास नहीं, लेकिन मैं तो सुबह मालूम हो जाएगा जब पुलिस आप सबके बयान लेने आएगी। मगर मुझसे आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि रात काफी हो चुकी है, अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। हाँ, अगर आपको रात में अकेले डर लगता हो तो कहिए तो मैं रुक जाऊं, दरवाजे पर पहरा भी दे सकता हूँ। ऐसी बुजदिल होती तो इस भेद भरी जगह में मेरे लिए एक मिनट ठहरना भी मुश्किल हो जाता। मेरा भी यही ख्याल है, आप में जरूरत से ज्यादा हिम्मत है। मुझे मेरी चीज वापस कर दीजिए। कौन सी? ये चोरी की चीज? जी। इसे मेरे ही पास रहने दीजिए। मगर आप उसका करेंगे क्या? कल सुबह पुलिस के सामने इसे। आप मुझे फंसाना चाहते हैं? मैं सिर्फ कानून की मदद करना चाहता हूँ। गुड नाइट। आप बता सकते हैं कि मिस्टर श्रीनाथ की किसी से दुश्मनी थी या नहीं? दुश्मनी तो किसी से नहीं थी, लेकिन। लेकिन क्या? वैसे कोई खास बात नहीं, जिस वक्त मैं यहाँ आया उस वक्त श्रीनाथ अपने मैनेजर को धमकी दे रहा था कि अगर हिसाब की गड़बड़ ठीक न हुई तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। कल रात जिस वक्त मैं यहाँ आया तो मिस्टर श्रीनाथ के कमरे की चाबी आपके पास कैसे थी? जी, मालिक कभी देर उबेर से आया करते थे, इसलिए एक चाबी खुद उन्होंने मुझे दे रखी थी। अच्छा, आपने मिस्टर श्रीनाथ को आखिरी दफे जिंदा कब और किस हालत में देखा?
खून की रात को करीब 11 बजे झगड़े की सी आवाज सुनकर मैं ऊपर भागा भागा गया तो देखा डॉक्टर साहब गुस्से में मालिक के कमरे से बाहर निकल रहे थे। तो इसी वजह से आप दोनों में झगड़ा हुआ था? जी हाँ। जिसने आपको यहाँ बुलाया था वो तो रहा नहीं, अब आप कहाँ जाएंगे? जाने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि शिनाथ ने मुझे अपनी तमाम जायदाद का ट्रस्टी बनाया था। वो ट्रस्टीशिप के कागजात कहाँ हैं? होंगे कहीं उन्हीं के कागजों में। आपके ख्याल में खूनी कौन हो सकता है? कानून में ख्याल नहीं, सबूत जरूरी होता है। लेकिन जिस दिन दीनानाथ जी आए थे तो उन दोनों भाइयों की कुछ बातें मैंने भी सुनी थी, उससे साफ जाहिर होता है कि उनमें आपस में बनती नहीं थी। आप यहाँ कितने अरसे से काम कर रही हैं? एक महीने से ज्यादा हो गया। लेकिन मरहूम श्रीनाथ की तबीयत तो ठीक हो गई थी, इसके बावजूद भी आप यहाँ से गई क्यों नहीं? इसलिए कि मुझे नौकरी से जवाब नहीं दिया गया। अच्छा आप जा सकती। ठहरिए इंस्पेक्टर सिन्हा, अगर आप इजाजत दें तो एक दो सवाल मैं भी पूछ लूं। पूछ लीजिए। शोभा देवी, श्रीनाथ बाबू का खून होने से पहले आप कहाँ थी? अपने कमरे में। और खून होने के बाद? जी जी हाँ, कहाँ थी आप खून होने के बाद? अपने कमरे में, अपने कमरे में ही थी। आप जा सकती हैं। इस केस के बारे में कल रात जितना अंधेरे में था मैं उतना ही अब भी हूं। ये इस पर दोष डालना चाहता है, वो उस पर। हाँ, कल रात आपने काली छाया देखी थी ना, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन आज रात को मैं होशियार रहूंगा। खैर, मैं अपनी रिपोर्ट एसपी साहब के पास भेज देता हूँ। आप क्या शहर चलेंगे? हाँ, मुझे भी इस नर्स की आइडेंटिटी का पता करने शहर जाना पड़ेगा। आप चलिए, मैं आपसे थाने में मिलूंगा। ओके। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। आपने पुलिस के सामने मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देने आई हूँ। इसमें धन्यवाद की क्या बात है, मैंने वही किया जो मुनासिब समझा। आप जा रहे हैं? अब आप समझी थी मैं यहाँ रहने के लिए आया, मगर इतना बड़ा केस अधूरा छोड़कर जाना ठीक नहीं। ये केस तो पुलिस का है और मैं जिसकी हिफाजत के लिए आया था वो तो अब रहा ही नहीं। तो रात को आपने मुझ पर नजर क्यों रखी थी? आदत से मजबूरी भी तो एक चीज होती है। उसी आदत से मजबूर होकर इतने बड़े केस को पूरा करने के लिए यहाँ रहना जरूरी क्यों नहीं समझते आप? इसलिए कि मेरे जाने में तो आप ही का फायदा है। मेरा फायदा? हाँ, मैं चला जाऊंगा तो आपके रास्ते का कांटा दूर हो जाएगा, फिर जहां जो चाहे चुराती रहिएगा। मजाक छोड़िए, जब तक काली छाया का भेद न खुले तब तक आप यहीं रहिए। आपको मुझसे इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है? दिलचस्पी आपसे? मेरा मतलब ये कि मुझे नहीं मालूम श्रीनाथ जी आपको क्या फीस दे रहे थे, मगर मैं जो मुझसे बन पड़ेगा आपको देने से कभी इनकार नहीं करूंगी। आप तो जानते ही हैं कि मैं कोई काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं करता। खैर, आप कहती हैं तो मैं ठहर जाता हूँ। वैसे भी मैं जा ही कहाँ रहा था? जी जी हाँ, मैं तो इसी केस के सिलसिले में शहर जा रहा था, शाम तक वापस भी आ जाऊंगा। अच्छा, मैं तो भूल ही गया था, ये लीजिए अपना वसीयतनामा, संभाल कर रखिएगा। रखने को तो रख लूं, लेकिन फिर काली छाया आ गई तो? वो आए यही तो मैं चाहता हूँ, ये शिकार फंसाने के लिए चारा है। यानी आपको मेरी जान की जरा भी परवाह नहीं? आपकी जान बचाने के लिए मैं अपनी भी जान दे दूंगा, लेकिन बड़े शिकार को फंसाने के लिए जाल भी बड़ा ही फेंकना चाहिए। बड़े खतरनाक है आप। हूँ नहीं, मजबूरन बनना पड़ता है। अच्छा, मैं चलूं। आपने मुझे याद किया सर? हाँ, देखो मैं बाहर जा रहा हूँ, रात तक वापिस लौटूंगा, तुम इधर अच्छी तरह देखभाल करते रहना। जी माफ कीजिए, मैं आपके हाजिरी में आपका काम इस तरह करूंगा कि आप ही देखते रह जाएंगे। बेवकूफ,
हर तरफ निगाह रखना। जी वो तो रखता हूं। अरे मैं चंपा, तुम यहां? अरे मैं तुम्हें सारे ढूंढता फिर रहा हूं। कहां है? हमसे कहां काम है तुम्हारा? बात ये है कि मेरा सर शहर गया। ओए भैया, सर शहर गया? तो ये कहां है? अरे बाबू, ये सर थोड़े, वो सर मेरे बॉस। खा छोड़ सर। मैं चंपा, न जाने तुमने मुझ पर क्या जादू कर दिया। मैं अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ चंपा, जब से तुम्हें देखा है मेरी नींद आ रहा। कोई सुने सकता है? अरे यहाँ वाला कौन सुनने आ रहा है? और फिर सुन भी लेगा तो क्या करेगा? शहर जाते वक्त बॉस मुझे सारी पावर दे के गए। अगर जारी अगले दिखाएगा तो भले चाहे तुम्हारा वो मजनू गूंगा हो, चाहे वो दूसरा, मैं उसे फांसी पर लटकवा दूंगा। हाँ तो हम पर कहे ध्वज जमा तू? हाय हाय, तुम पे भला क्या ध्वज जमाऊंगा? तुम्हारा तो मैं शायदा हूँ, मैं चंपा दीवाना हूँ, तुम शम्मा हो, मैं परवाना हूँ। प्याज के दो मत वाले हैं, प्याज के दो मत वाले, एक हम हैं और एक तुम, और तुम भी क्या? अब रह गए दो दिल वाले, अब रह गए दो दिल वाले, एक हम हैं और एक तुम, और तुम भी क्या? माना तू है दिल पर, तुझ से हूँ बढ़कर सीधा साधा सुंदर। तेरी निगाहें तो ये बताए बड़ा फूट तेरे अंदर। अरे माना तू है दिल पर, तुझ से हूँ बढ़कर सीधा साधा सुंदर। तेरी निगाहें तो ये बताए बड़ा फूट तेरे अंदर। दिखने में तो भोले भाले, दिखने में तो भोले भाले, एक हम है और एक तुम, और तुम भी क्या? अब रह गए दो दिल वाले, अब रह गए दो दिल वाले, एक हम है और एक तुम, और तुम भी क्या? एक नजर से दूजे को देखे नहीं और कोई मर्जी। मेरा भी जवाब नहीं, मेरा भी जवाब नहीं, काहे को झगड़ा फिर भी? अज एक नजर से दूजे को देखे नहीं और कोई मर्जी। एक आँख से देखने वाले, एक आँख से देखने वाले, एक हम है और एक तुम, और तुम भी क्या? प्याज के दो मत वाले हैं, प्याज के दो मत वाले, एक हम है और एक तुम, और तुम भी क्या? अरे नैन हमारे प्यारी, सपनों की घोड़ा गाड़ी बैठ उड़ा ले आंचल। हमारे प्यारी सपनों की घोड़ा गाड़ी बैठ उड़ा ले आंचल। घोड़ा गाड़ी भूल मनाड़ी, अभी टोल जग पैदल। पैदल ही प्यार संभाले, पैदल ही प्यार संभाले, एक हम है और एक तुम, और तुम भी क्या? अब रह गए दो दिल वाले, अब रह गए दो दिल वाले, एक हम है और तुम भी क्या? 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 योगेश्वर बाबू के दूसरे वसीयत नामे की इस नकल को अगर आपने ढूंढना निकाला होता मिस्टर राजेश, तो हमें यह पता लगाने में बहुत दिक्कत होती कि श्रीनाथ ने राय बहादुर का खून इस असली वसीयत नामे को हासिल करने ही के लिए किया है। अब इसमें कोई शक नहीं,
कि झूठे खतरे का बहाना करके पुलिस से बचने के लिए मुझे जीतपुर बुलाना उसकी एक भारी चाल थी। बिल्कुल ठीक, मगर हैरानगी इस बात की है कि वही झूठा खतरा उसके लिए सच्चा साबित हुआ और आपके पहुंचने से पहले ही उसका खून हो गया, और वो भी आपके उस हवेली में रहते हुए। यही तो ताज्जुब है। इन सब बातों से तो फिर मेरे ख्याल में यही जाहिर होता है कि मुझे चाहे जो हो, खून हवेली ही के किसी आदमी ने किया है। डॉक्टर, मैनेजर, दीनानाथ या फिर नर्स। नर्स? हाँ। आप भूलते हैं इंस्पेक्टर सिन्हा, जिस ताकत से सिन्हा पर छुरे का वार किया गया है वो उस कमजोर लड़की के बस की बात नहीं है। इस तरह तो फिर हम बूढ़े और अपाहज दीनानाथ को भी शक के दायरे से अलग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आप कैसे कहते हैं कि मुजरिम घर में बैठा है? हो सकता है कि बाहर के किसी आदमी ने खून किया हो। बाहर के आदमी ने? जी हाँ, सबसे छोटा भाई पीताम्बर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। मुमकिन है जायदाद हासिल करने के लिए वो खुद काली छाया बनकर यहाँ आ गया हो। मतलब ये हुआ कि शक सभी पर है और सबूत किसी के भी खिलाफ नहीं। इंस्पेक्टर सिन्हा ये बताइए कि काम कहाँ से शुरू किया जाए, आपका क्या विचार है? मेरा तो ये ख्याल है कि इसी रुमाल से ही काम शुरू करना चाहिए। यानी लिली से? जी हाँ। वो तो हर जानकारी से इनकार कर रही है। मगर उससे इकरार कराने ही होगा, क्योंकि उसके सिवा हमारे पास आगे बढ़ने के लिए और कोई दूसरा जरिया है ही नहीं। अगर ऐसा है तो उसे एकदम गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जी नहीं, मेरे ख्याल से लिली के जरिए जब तक मैं किसी नतीजे पर ना पहुंचूं तब तक आप लोग अपनी सरगर्मी जरा बंद रखें। क्योंकि मामला लड़की का है? नहीं, बल्कि इसलिए कि मामला खूनी के खून का है।
ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। कौन है आप? यहाँ कैसे आए? डिटेक्टिव, अकेली औरत के रूम में आकर इस तरह छिपकर रहने का मतलब? पहले बैठिए, बिठाइए तो सही, फिर मतलब भी जाहिर हो जाएगा। हमारा पास फालतू टाइम नहीं, आप जा सकते। अगर न जाऊं तो शायद बॉय बियारे को बुलाकर जबरदस्ती निकलवा देंगे। सिगरेट प्लीज। नो थैंक्स, पर हम पूछते आप इधर क्यों आया? खुद नहीं आया, ये रुमाल मुझे खींच लाया। रुमाल किसका है ये? शायद आपका ही होगा। ओह यस, थैंक यू सो मच। सॉरी, फिलहाल इसे मैं आपकी निशानी के तौर पर अपने ही पास रखता। व्हाई? आपसे हमारा वास्ता? आपका नहीं, पर मेरा आपसे बहुत बड़ा वास्ता है, और आपको भी हो ही जाएगा जब कुछ दिन आप मेरे साथ रहेंगे। शट अप, हाउ डेयर यू से दैट। हम आपके साथ क्यों रहेगा? जरूरत आपको है नहीं, और शौक से शायद रहना मुनासिब न समझे, रह जाती है मजबूरी, तो आपको इस ख्याल से मेरी बात मानने पर मजबूर होना पड़ेगा कि जिस आदमी को आपने ये रुमाल दिया था उसके खिलाफ एक खून का इल्जाम था। घबराइए नहीं, मैं असुलन हर काम प्यार और मोहब्बत से करता हूँ। But what do you want? सिर्फ ये कि आप मेरे साथ जीतपुर चलकर कुछ दिन सिनाद बाबू के मकान में ठहरे। हम क्यों उधर जाए? हम कुछ नहीं जानती। जो नहीं जानती उसे मैं मालूम कर लूंगा। वैसे कानून की इमदाद करना हर आदमी का फर्ज है, इसलिए भलाई इसमें है कि आप बगैर किसी हीलो हुज्जत के मेरा साथ दें, क्योंकि ये केस मुझे पुलिस ने सौंप दिया है। I see. ऐसा है तो मैं आपके साथ चलेगा। But please, आप दो मिनट बैठिए, मैं तैयार होकर आती। तब तक आप मैगजीन देखिए। मैडम उधर नहीं, इधर से। यस यस, पर हम पूछते आप हमको क्यों उधर ले जाना चाहते? घबराइए नहीं, मैं सिर्फ यही मालूम करना चाहता हूँ कि आप जिस तरह सिनाद बाबू को जानती थी, राय बहादुर को जानती थी, उसी तरह शायद उनके किसी दोस्त को जानती हो। हम किसी को भी नहीं जानते। कोई बात नहीं, वहां पहुंचने पर शायद और किसी को भी जान ले। चलिए। कोशिश मत कीजिए, चारों तरफ पुलिस का पहरा है। क्या है? शोर क्यों मचा रखा है? वो देखिए पर्दे के पीछे काली छाया। स्टूपिड, इसीलिए इस घर को सर पे उठा रखा है? मुझे तो इसने डरा दिया था। नालायक नालायक गुंगा बहरा, बिना बात के डर गया।
ओके, मैं समझ गई, ठीक है। क्या बातें हो रही थी चुपके चुपके? क्या आपका ऐसा भी ऑर्डर है कि हम सब लोग के साथ जोर से लाउड स्पीकर के माफक बात करें? नहीं, मेरा मतलब है। हम आपका मतलब सब समझते। शुक्र है आप मेरा मतलब समझने लगी। ओह शट अप। सुनिए, आपके इनका इतना मेलजोल कैसे? जी मेरे साथ? वो तो मालिक की शायद दो चार मरतबा यहाँ आई है। ये क्या कह रही थी? कुछ नहीं। कुछ नहीं, बस यही पूछ रही थी कि डांस के रिकॉर्ड्स घर में हैं या नहीं। खैर, आप इनके रहने का बंदोबस्त कर दीजिए। बात अच्छी। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ, तुमने दिन भर आज क्या काम किया? काम तो बहुत कुछ किया सर। बहुत कुछ किया? मैं तो तुमसे सिर्फ लोगों पर नजर रखने के लिए कह गया था। नजर भी रखी सर। क्या हासिल हुआ? जी अभी तो कुछ हासिल नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप और चंपा के बाप राजी हो जाए तो काम बन सकता है। क्या काम बन सकता है? जी वो चंपा से मेरी शादी का प्रोग्राम। खामोश, तुम्हारी यही हालत रही तो जिम्मेदारी का काम तुम पर कैसे सौंप सकता हूँ? वाह सर, आपने शादी नहीं की तो उसका मतलब मैं भी जिंदगी भर कुंवारा बैठा रहूं? बदतमीज। वाह क्या सर, अब आगे से आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। देखो, वो जो मैम साहब मेरे साथ शहर से आई है ना, उन पर बहुत होशियारी से नजर रखनी होगी। अजी आप बेफिक्र रहिए, मैं बराबर नजर रखूंगा सर, बगैर पलक झपके। लेकिन सर उन्हें कहीं मेरी नजर लग गई तो? फिर बदतमीजी, जाओ। मैम साहब छज्जे पे आकर खड़ी हुई, हाथ में बाएं हाथ में किताब है। और गई से निकल गया। यहाँ तो कोई ऐसा रास्ता नहीं, कहाँ गुम हो गया? गोली की आवाज क्यों हुई? काली छाया यहाँ आकर गायब हो गई। क्या हो गया, क्या हो गया? जरूर यहाँ कोई छिपा हुआ रास्ता है, वरना इस तरह जीता जागता आदमी हवा में गायब तो नहीं हो सकता। अच्छा दीनानाथ जी, क्या आप मकान के इस हिस्से में किसी खुफिया रास्ते के बारे में जानते हैं? मैं तो समझिए कि इस घर में एक परदेसी जैसा हूँ। मालिक ने हवेली में कई तरह की तब्दीलियां करवाई थी। तब तो आप जरूर जानते होंगे कि कहाँ कहाँ तब्दीली हुई है। लेकिन ये मेरे नौकरी पर आने से पहले की बात है, शायद डॉक्टर साहब को। मुझे कैसे मालूम,
मैं यहाँ मकान की खोजबीन के लिए नहीं, डॉक्टरी रिसर्च के लिए लाया गया था। लेकिन आप इस एस्टेट के ट्रस्टी और आप यहाँ के मैनेजर, आप लोगों को तो कुछ जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अगर आप लोग डिटेक्टिव को गलत आदमी पर शक करने के लिए मजबूर करेंगे तो गुमराह हो जाएंगे। जो भी हो, डिटेक्टिव राजेश बाबू एक न एक दिन ये भेद खोल ही देंगे। कोशिश तो कर ही रहा हूँ। खैर, अब आप लोग आराम कीजिए। अरे, अभी घर में आराम कहाँ। हैरानगी की बात है कि काली छाया आज दूसरी बार फिर एक ही जगह से लापता हो गई और मैं उसे पकड़ नहीं सका। आपको खूब बेवकूफ बनाया उसने। देखती जाइए, बेवकूफ सिर्फ मुझे ही बनाया, यह और किसी को भी। गुड नाइट। गुड नाइट। राजेश बाबू, राजेश बाबू। क्या हुआ शोभा देवी? अब क्या हुआ? उधर मैं आपको बुलाने गई और इधर वसीयतनामा गायब। चलो, अच्छा ही हुआ, चोरी का माल हजम थोड़ा ही होता है। आप तो बहुत खुश नजर आते हैं। खुश? बिल्कुल नहीं, बल्कि अफसोस है। मैंने तो सोचा था उसे इस बहाने गिरफ्तार करने के लिए मौका मिल जाए। मौका भी नहीं मिला और हाथ में आई हुई चीज फिर से चली गई। जानते हैं वो वसीयतनामा मेरे लिए कितना कीमती था? अरे, तुम्हारे पर तो निगाह भी नहीं ठीक थी। क्या? कुछ नहीं, गुस्से और परेशानी में खूबसूरती ज्यादा चमक उठती है। किसी की जान जाए और किसी को मजा आए। जाने दो ना, एक मामूली कागज के लिए दिल छोटा करने से क्या फायदा। आपके लिए मामूली कागज थे पर मेरे लिए तो। खफा क्यों होती हो? जो कागज काली छाया ले गई है वो तो एक सादे मामूली से कागज थे। तुम्हारा वसीयतनामा पुलिस के पास है और सरकारी वकील कल सुबह यहाँ आकर उसकी असलियत के बारे में अपना फैसला देंगे। ओह, ये बात है, तो पहले क्यों नहीं बताया? वक्त आने से पहले हर बात जाहिर करना अच्छा नहीं होता। जैसे कि आप देखो ना, मेरे दिल में तुम्हारे बारे में जो ख्यालात हैं। क्या ख्यालात हैं? है कुछ, मगर वक्त आने से पहले कैसे बता सकता हूँ। तो जाइए, आपके बारे में मेरे दिल में जो ख्यालात हैं वो मैं भी आपको नहीं बताऊंगी। इतना तो मालूम हो गया कि मेरे बारे में तुम्हारे दिल में भी कुछ ख्याल आते हैं। अब इतनी रात गए फिर कहाँ जा रहे हैं? आराम नहीं करेंगे क्या? मैं आराम करूं तो तुम सब लोगों की देखभाल कौन करे? नीचे जा रहा हूं। मैं भी साथ चलूं? क्यों, अकेले डर लगेगा। चलो। कितनी अच्छी जगह है, मगर मच्छर बहुत है। संयोग की बात है, वरना कहां आप कहां मैं, कैसे मिले, कैसे इन पेचीदा हालात में पड़ गए। और अब क्या? दूर होते हुए भी तुम्हारे इतने पास, पास होते हुए भी दूर। ऐसा मत कहो। मालूम होता है काली छाया लिली के कमरे की तरफ जा रही है। मैं उधर जाता हूं, तुम ऊपर जाओ। अभी अभी यहाँ कौन आया था? कोई नहीं, लेकिन काली छाया को मैंने इसी कमरे में आते हुए देखा है। काली छाया? Oh my God! सच सच बताइए, काली छाया कहाँ गई है? Believe me, मैं बिल्कुल नहीं जानती। आप झूठ कह रही हैं।
आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? नींद नहीं आ रही थी इसलिए टहल रहा था। आपने इधर किसी को देखा तो नहीं? नहीं तो। इतनी रात को डॉक्टर के कमरे में बत्ती क्यों जल रही है? वो कब क्या करते हैं किसी को कुछ पता नहीं। डॉक्टर, डॉक्टर साहब, छिप जाता हूं जहां से हर दफे काली छाया गायब हो जाती है। तुम हाल की तरफ जाकर मुझे जोर जोर से आवाज दो, उसे सुनकर काली छाया इधर भागेगी और मैं उसे पकड़ लूंगा। चोट लगी इसलिए बेहोश हो गया। अरे सर के मुंह से तो खून निकल रहा है। फालतू बातें मत करो, मैं जल्दी नीचे ले चलो। राजेश बाबू इंसान नहीं देवता है, वरना कौन दूसरे के लिए इस तरह अपनी जान खतरे में डालता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब आप लोग जा सकते हैं, इन्हें आराम करने दीजिए। भगवान करें ये जल्दी अच्छे हो जाए। चलो भाई तुम भी जाओ। मैं भी। इंजेक्शन कर रहे हैं? देख तो रही है। मगर इसकी क्या जरूरत है? क्या जरूरत है क्या नहीं ये तुमसे ज्यादा मैं जानता हूँ। पर मैं इंजेक्शन लगाने नहीं दूंगी। ओ, यानी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? जी मैं तो। मुझे नहीं मालूम था कि इनकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम पर है। खैर मैं जाता हूँ।
अगर तुम्हारा यकीन मुझ पर वापस आ जाए और तुम्हारे मरीज को मेरी जरूरत महसूस हो तो बुलवा लेना। क्या? ओ, तो ये बात है। ऐसे कब तक पड़े रहोगे? चलो उठो, उठो ना। किधर? काली छाया का नाम सुनते ही खुश आ गया। तो तुम झूठ भी बोलती हो। तुमने सबको परेशान करने के लिए दुनिया भर का नाटक किया और मैं तुम्हारी नकली बेहोशी दूर करने के लिए इतना समय झूठ ना बोलूं? बेहोशी का नाटक तो मैंने सबकी बातें सुनने के लिए किया। तो सबकी बातें सुनकर तुम्हें क्या मिला, क्या समझे? पहचान लिया अपराधी कौन है? कौन है? तुम? मैं? ये तुम क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ। ओ, तो ठीक है, पहनाओ हथकड़ी और ले चलो कैद खाने। जब तुम राजी हो तब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नो नो नो। कोई देखे तो कहे तुझको कहीं दीवाना ना, छोड़ दे भैया बलम्बा ना ना ना। कोई देखे तो कहे तुझको कहीं दीवाना ना, छोड़ दे भैया मलम्मा ना ना ना।
यह है जोगेश्वर बाबू का वो वसीयतनामा जिसकी रूह से उन्होंने अपने बड़े बेटे दीनानाथ और सबसे छोटे बेटे पीताम्बर को जायदाद से बेदखल करते हुए अपने मझले बेटे श्रीनाथ को तमाम जायदाद का वारिस करार दिया था। लेकिन ये एक दूसरा वसीयतनामा है जिसमें उन्होंने पिछली वसीयत को रद्द करते हुए दीनानाथ और पीताम्बर को बराबर के हिस्से देकर श्रीनाथ को जायदाद से बेदखल कर दिया था। ये वसीयतनामा जोगेश्वर बाबू ने मरने से कुछ देर पहले मरहूम राय बहादुर जानकी नाथ के सामने तैयार करवाया था। माफ कीजिए, लेकिन श्रीनाथ बाबू के जिस वसीयतनामे के जरिए इस दौलत का मैं ट्रस्टी बनाया गया हूँ, उसका क्या हुआ? जोगेश्वर बाबू की बाद में लिखी हुई वसीयत की रोशनी में पहली वसीयत बेबुनियाद साबित होती है। चुनाचे श्रीनाथ बाबू की जिस वसीयत का जिक्र आपने किया है वो खुद ब खुद खारिज हो जाती है। जिस वसीयतनामे में श्रीनाथ बाबू को जायदाद से बेदखल किया गया है वो जाली भी तो हो सकता है। मैं इसे अगर राय बहादुर और दूसरे भाइयों की साजिश कहूँ तो आप उसे नकली साबित करने के लिए अदालत में दरखास्त दे सकते हैं। हाँ दीनानाथ जी, इस मौके पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जोगेश्वर बाबू की तमाम दौलत के मालिक अकेले अब आप ही हैं। अजीब लीला है, भगवान कब किसे और कैसे राजा से रंग और रंग से राजा बना देता है कोई नहीं कह सकता। इतनी बड़ी जायदाद का मालिक अकेला मैं। हाँ, क्योंकि मरहूम श्रीनाथ की कोई औलाद नहीं है और ना ही उन्होंने शादी की थी। लेकिन वकील साहब, ये सच नहीं है। पीताम्बर का वारिस मौजूद है। मौजूद है? कौन है, कहाँ है? वो है आपके पीछे, शोभा देवी, आपकी भतीजी। शोभा? पीताम्बर की बेटी? लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं? हालांकि खुद शोभा देवी ने मुझे ये बात कभी बताई नहीं, लेकिन मैंने इस मामले में पूरी तरह तहकीकात की है। मगर इसका सबूत क्या है? सबूत हमारे पास है। अब इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं कि शोभा देवी ही पीताम्बर की बेटी है। शोभा, मेरी भतीजी, इधर आ, मेरी बेटी मेरे पास आ। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं, मैं बड़ा भगवान हूं। राजेश बाबू, आपने इस बुढ़ापे में मेरे भटकते हुए मन को शांति दी है। शांति सिर्फ आप ही को नहीं मिली, सभी को मिली है, क्योंकि जिस वसीयतनामे के पीछे सारा झगड़ा फसाद है उसका तो फैसला हो ही गया। मुझे उम्मीद है अब काली छाया का कोई खतरा नहीं, आज की रात सब आराम से सो सकेंगे। अंदर आ सकता हूँ? अरे अभी नहीं, जरा ठहरो। कब तक ठहरूं, मुझे जल्दी है। ओहो, तुम आ ही गए, मैं खुद ही तुम्हारे पास अभी आने वाली थी। क्यों शर्मिंदा करती हैं? कहाँ आप और कहाँ मैं, मेरे पास आना तो दूर, आने की बात तक सोचना आपकी शान के खिलाफ। तुम्हें हो क्या गया है? कुछ नहीं, मैं एक मामूली आदमी और आप इतनी बड़ी मिल्कियत की मालकिन। मिल्कियत की मालकिन बनकर बदल जाने वाली शोभा कोई दूसरी होगी। मैं तो तुम्हारे लिए जैसी थी वैसी ही हूँ और हमेशा वैसी ही रहूंगी। मेरे लिए तुम्हारे दिल में जो ख्यालात हैं वो इतनी जल्दी तुम्हारी जबान पर आ जाएंगे इसकी मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। तो तुम उसे मजाक करने आए हो? तो फिर मतलब ये है कि सबके सामने जो मैंने कहा था वो गलत था, अब जो कह रहा हूँ वो सच है। क्या सच है? जिस पर मेरा शक जम रहा है, अगर काली छाया वही है तो आज ही उसका आखिरी हमला होगा। तो जिस पर शक है उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? मैं उसे जुर्म करते हुए रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ, वरना कितने मौके आए उसे कभी भी गोली का शिकार बना सकता था। अजीब तरीका है तुम्हारे काम का। है तो कुछ ऐसा ही, लेकिन तुम्हें काफी होशियार रहना चाहिए, इस बार तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरा है। मेरे लिए? पर तुम घबराओ नहीं, मैंने भी सब कुछ सोच लिया है। क्या सोचा? आज रात मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा और तुम मेरे कमरे में। मतलब? बाद में बताऊंगा। डॉक्टर के कमरे में क्यों गई थी? यूं ही।
बगैर काम के कोई किसी के पास जाता है भला? क्या बातें हो रही थी आपसे? मतलब भाई आज तू मेरी जगह पे क्यों सो रहा है? चल उठा अपना बिस्तर बढ़िया इधर। अभी क्या करता है? आज रात को बहुत बड़ा मामला होने वाला है, खिड़की के पास नहीं सोऊंगा, सच्ची बात है। चल उठा। अबे तू घूमा बैठा तो पहले ही मैं तुझे अंधा बना के नाली में फेंक दूंगा, पड़ा सोता रहना जल्दी बार पे। चल उठा। चल अच्छा भाई बचाओ, बचाओ। अबे गूंगा होके बोलता है, फिर बनने लगा। माफ करना, माफ करना, मैं पांव पड़ता हूँ। दादा आया रास्ते पे? बलराम माफ किया। बोल बच्चू, क्या भेद है तेरे गूंगा बहरा बनकर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। देख सच सच बोल, वरना मैं अभी सर को बुला के लाता हूँ। बोलता हूँ बाबा, बोलता हूँ। मैं गुंगा बहरा बनकर आया इसलिए मालिक ने दया करके मुझे नौकरी दी थी, वरना मैं भूखा मरता था। तू झूठ बोलता है। माँ बाप की कसम मैं सच कह रहा हूँ। अगर ये बात किसी से कह दोगे तो मैं गरीब आदमी बेकार फंस जाऊंगा। फंसाऊंगा नहीं तो छोड़ दूंगा। मैं चंपा के मामले मेरा मुकाबला करता है। चंपा की तरफ कभी नहीं देखूंगा, उसे माँ बहन समझूंगा। और रोज तुम्हें ऐसी एक चीज दिया करूंगा कि जिसे तुम्हारे पैर जमीन पे नहीं ठहरेंगे, तुम आसमान में उड़ने लगोगे, दिन में तारे देखोगे। कौन सी चीज है? लेकिन मुझे सबके सामने गुंगा और बहरा रहने देना, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। हुकुम को गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, सोच ले। ये बात है, दिखा मैं अच्छे से। वही दर्द है फिर वही जिगर, फिर वही रात है फिर वही है डर। हम समझे गम कर गया सफर, द्वार दिल का खुल गया, हाथी निकल गया, तुम रह गई मगर। फिर वही दर्द है फिर वही जिगर, फिर वही रात है फिर वही है डर। हम समझे गम कर गया सफर, द्वार दिल का खुल गया, हाथी निकल गया, तुम रह गई मगर। हम तो समझे दुश्मनों का हाथ कट गया, दो दिलों के बीच से पहाड़ हट गया। हम तो समझे दुश्मनों का हाथ कट गया, दो दिलों के बीच से पहाड़ हट गया। गम के भारी दिन गए गुजर, द्वार दिल का खुल गया, हाथी निकल गया, तुम रह गई मगर। फिर वही दर्द है फिर वही जिगर, फिर वही रात है फिर वही है डर। तू दुल्हन बनेगी और चढ़ेगी रागनी, तू दुल्हन बनेगी और चढ़ेगी रागनी, आई प्याज के मधुर मिलन की चांदनी। तू दुल्हन बनेगी और चढ़ेगी रागनी, आई प्याज के मधुर मिलन की चांदनी। लेकिन थोड़ी रह गई कसर, द्वार दिल का खुल गया, हाथी निकल गया, तुम रह गई मगर। फिर वही दर्द है फिर वही जिगर, फिर वही रात है फिर वही है डर।
हम समझे गम कर गया सफर, द्वार दिल का खुल गया, हाथ निकल गया, तुम रह गई मगर। भूल जाऊं क्यों रहूं खराब, पर तेरा ये हुस्न जैसे डाल में गुलाब। मैंने चाहा भूल जाऊं क्यों रहूं खराब, पर तेरा ये हुस्न जैसे डाल में गुलाब। थोड़ा थोड़ा है वही असर, द्वार दिल का खुल गया, हाथ निकल गया, तुम रह गए मगर। फिर वही दर्द है, फिर वही जिगर, फिर वही रात है, फिर वही है डर। हम समझे गम कर गया सफर, द्वार दिल का खुल गया, हाथ निकल गया, तुम रह गई मगर। जितनी चलती, लेकिन अभी तुम यहां से जाओ, डिटेक्टिव को शक हो गया है, समझे? क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? आप ऐसे ड्रेस पहन के मुझे डराने के लिए क्यों आए? डराने के लिए नहीं, बल्कि जानने के लिए कि काली छाया कौन है। बताओ। मैं कुछ नहीं जानती। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ? आप नॉनसेंस। खामोश। कल भी यहाँ काली छाया की मौजूदगी से तुमने इनकार किया था, लेकिन तुम ये नहीं जानती पुलिस के पास तुम्हारे खिलाफ काफी सबूत है। जब मैंने कुछ किया नहीं तो डरूं क्यों? तुम सिनाथ के साथ राय बहादुर के यहाँ क्यों गई थी? मैं नहीं गई थी। तुमने राय बहादुर को शराब नहीं पिलाई? नहीं। तुम हर जानकारी से इनकार कर रही हो, लेकिन इसका नतीजा बुरा होगा। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करेगी, तुम्हें सजा होगी, जेल होगी, फांसी होगी। ओह नो नो। हाँ, अब बोलो, तुम सिनाथ की साजिश में शरीक थी? नहीं। नहीं? सिनाथ राय बहादुर के यहाँ वसीयतनामा चुराने गया था। हाँ। और उसने राय बहादुर का खून किया, और अब सिनाथ की मौत के बाद जो आदमी काली छाया बनकर इस जायदाद पर कब्जा करना चाहता है, उसे तुम जानती हो? सच सच बताओ। बताओ काली छाया कौन है? काली छाया? हाँ, जवाब दो, जवाब दो, काली छाया कौन है? बताती हूँ, सब कुछ बताती हूँ। लिली, लिली, अभी बता दो कौन है, अभी बता दो। क्या हुआ? किसी ने गोली चलाई। क्या हुआ सर? आप इस लिबास में? हाँ, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, लिली का खून हो गया। राम सिंह, तुम जल्दी शहर जाकर इंस्पेक्टर सिन्हा को खबर दो, वो फौरन यहाँ चले आए। बहुत अच्छा साहब। अब फिर क्या हुआ भाई? जी माफ किया, आपका तार आया है। इसे खोला किसने? जी मेरे ख्याल से डाकखाने वाले चिपकाना भूल गए। खड़े क्यों, जाओ। तो मेरा शक सही निकला।
काली छा के पांव में मेरी गोली लगी है। खून के कतरों की एक कतार तुम्हारे कमरे की खिड़की से ठीक यहाँ आकर खत्म होती है। तो तुम्हारा ख्याल है कि? सिर्फ ख्याल नहीं, यकीनन यहाँ किसी सुरंग का खुफिया दरवाजा है। अंदर न जाओ। मुझे मत रोको शोभा, कामयाबी के इतने नजदीक आकर मैं हरगिज वापस नहीं जा सकता। दरिया खतरे की बात तो नहीं? घबराओ नहीं, तुम नीचे जाओ और इंस्पेक्टर सिन्हा के आते ही उन्हें इस हवेली के पिछड़े बड़े जंगल में भेज देना। ये सुरंग शायद वहीं जाकर खत्म होती है। जरा होशियार रहना। घबराओ नहीं। खाली गया, अब शैतान काली छाया का पीछा कीजिए, मगर आप मेरी परवाह मत कीजिए, आप जल्दी जाइए वरना वो हाथ से निकल जाएगा। जानने के लिए बेताब हो रहे होंगे कि इस काले लिबास में छिपा हुआ अपराधी कौन है। थोड़ी देर और सब्र कीजिए। शुरू में शोभा देवी, डॉक्टर, मैनेजर, दिननाथ सभी पर शक होता था, क्योंकि सिनाथ का खून करने के लिए हरेक के पास कोई ना कोई वजह हो सकती थी। यहां तक कि सबसे छोटे भाई पीताम्बर, जो अभी तक लापता है, उस पर भी हमने शक किया। लेकिन आप लोगों को ताज्जुब होगा कि इनमें से अपराधी कोई नहीं है। दिनाथ जी, ये बूढ़ा अपाहिज? आप लोग शायद हैरान हो रहे होंगे कि बूढ़ा और अपाहिज होने के बावजूद इन्होंने खून कैसे किया और काली छाया बनकर इन्होंने इतना फसाद कैसे मचाया। तो फिर
असल में ये दीनानाथ नहीं बल्कि दीनानाथ के रूप में अपराधी कोई और है। सरकार, मिस्टर श्रीनाथ। श्रीनाथ मरा नहीं बल्कि अपने बड़े भाई दीनानाथ को मारकर खुद उसकी जगह दीनानाथ बन बैठा। दीनानाथ और श्रीनाथ की शक्लें एक दूसरे से मिलती जुलती थी और इसी बात का नाजायज फायदा इन्होंने बेखौफ होकर उठा। ये काम बड़ी सफाई और होशियारी से किया गया है। इसके पीछे दो मकसद थे, एक तो राय बहादुर के खून के इल्जाम से बचना और दूसरे दीनानाथ के रूप में सारी जायदाद पर हक जमाना। और फिर कोई सोच भी तो नहीं सकता था कि काली छाया के पीछे बूढ़ा और अपाहिज दीनानाथ ही सब फसाद मचा रहा है। मेरी ही तरह डॉक्टर को भी उस पर शक हो गया था। तार के जरिए इन्हें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से खबर मिली ये वो जिस्म लखवे के मरीज का ही था। असल में श्रीनाथ को दौलत और लालच ने अंधा बना दिया। इसने राय बहादुर का खून किया, लीली का खून किया, दीनानाथ का खून किया और शोभा देवी का खून करने की भी कोशिश की। पाप चाहे कितनी भी होशियारी से किया जाए कभी पनपता नहीं। इंस्पेक्टर सिन्हा, कानून के इस खतरनाक मुजरिम को मैं आपके हवाले कर। बहादुर सिंह, चूंकि अब मेरा यहां कोई काम नहीं रहा मैं आप लोगों से रुख्सत लेता हूं। सुनो, जिन लोगों से रुख्सत होकर जा रहे हो मैं भी उनमें शामिल हूं क्या? क्यों, आपका कुछ काम रह गया मेरे साथ? जी। क्या? ये भी मैं ही बताऊं? तो आप चलेंगी मेरे साथ? अल्लाह, क्या किस्मत पाई है मैंने। आया था अपराधी को गिरफ्तार करने, साथ साथ खुद ही गिरफ्तार। माफ़ कर सर, वो मेरे लिए क्या ऑर्डर है सर? तुम बाद में सामान लेकर ट्रेन से आना। चलो।